नमस्कार दोस्तों, आ गए हैं हम लोग सारा चंडी में, ठीक है। ये तो पूरा कुछ दिखिया नहीं रहा है, चल कर बताइए। आप नया मोबाइल लिखिए, ये तो दिखिया नहीं रहा है। कोई बात नहीं, अंदाज से सस्ता मोबाइल है, सस्ता मोबाइल है, महंगा मोबाइल। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं तारा चंडी द्वार के सामने और यहाँ पे देख सकते हैं, चलिए हम अंदर दिखाते हैं आपको कि अंदर क्या है और किस तरह से। ये मंदिर जो है वो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और यूँ कहिए कि इस मंदिर पे अब बहुत सारे आस्था जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग आते भी हैं और पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं और फिर जाते हैं। तो यहाँ पर हम आपको दिखा दें, देखिए यहाँ पर बहुत सारा मेला वगैरह है, दुकान है जहाँ पे आप दुकान वकान कर सकते हैं। और यहाँ पे ये मंदिर है, यहाँ पे लोग पूजा करते हैं। यहाँ पे शायद हम एक बार आए हैं और बहुत सारा, एक बार फिर कभी आए हैं माँ तारा, और मतलब कि यहाँ पे शायद, हाँ यहाँ से चलिए आइए यहाँ पे एक चीज। और तो आ गए हम लोग यहाँ पे माँ तारा चंडी के स्थान पे और देख सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा चलते हैं आप दर्शन भी कर लेते हैं, क्योंकि आ गए हैं तो दर्शन करना लाजमी होता है, बिल्कुल जा सकते हैं सर। तो चलिए हम चलते हैं थोड़ा आप दर्शन करने अंदर कि अंदर क्या होता है। फिलहाल यहाँ पे जूता वगैरह निकाल देंगे हम लोग और निकाल करके फिर अंदर चलते हैं, अंदर का दृश्य दिखाते हैं। हम धोए हैं सर वहाँ पे, लेकिन फिर भी चलिए तो चलते हैं यहाँ पे अंदर। इसमें हम नहीं पहुँच रहे हैं, अंदर देखिए लाइन लगा हुआ है, यहाँ पे बहुत सारा लाइन लगा हुआ है, अंदर चलते हैं और अंदर दिखाते हैं कि अंदर क्या होता है और माँ तारा चंडी का आपको साक्षात दर्शन कराने वाले हैं। तो दोस्तों दर्शन कर लिए हम लोग और बाहर आ गए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर निकलेंगे हम और हम यहाँ से निकलेंगे, फिर हम अपने होटल जाएंगे और होटल के बाद क्या करेंगे वो तो फिर अगले ब्लॉग में हम आपको बताएंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपको दूसरे ब्लॉग में। नमस्कार।